Yes. Now today we'll start unit 2. The main concept of unit 2 is encapsulation and data abstraction. What is encapsulation? I think you know very well. Encapsulation means wrapping of data and behavior in single unit. एक यूनिट के अंदर यदि मैं एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साथ में बिहेवियर या फंक्शंस ऐड कर दूं और उस सिंगल यूनिट को कुछ नाम दे दूं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एनकैप्सुलेशन. अब जब हम कोई एनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं या बता रहे हैं, वी आर एक्सप्लेनिंग, तो उसको एक्सप्लेन करना होगा या इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस टूल का यूज हम करते हैं, दैट इज क्लास. जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास में हम एट्रीब्यूट्स रखते हैं, पहले क्लास का नाम देंगे, देन वी विल गिव एट्रीब्यूट्स, देन वी विल गिव द बिहेवियर ऑफ दैट क्लास. दिस इज द लॉजिकल एंटिटी, क्लास बन गई. बट इफ यू वॉन्ट टू यूज दैट क्लास, यू हैव टू मेक द ऑब्जेक्ट. नाउ फर्स्ट वी विल सी वॉट इज एन ऑब्जेक्ट. An object has a state. State means उसका क्या attribute है, इस वक्त वो किस state में है. Like door is open state है या closed state है. कोई process चल रही है, that is a new है या run है या terminate हो चुकी है. हर चीज की एक state होती है. कोई भी event हो रहा है, the present state जो भी होती है, that is a state. Behavior means वो जो ऑब्जेक्ट है, विच टाइप ऑफ डायनामिक बिहेवियर इट इज शोइंग. यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको हैमर दिखाई दे रहा है. यू कैन सी दिस हैमर, द स्टेट इज स्टैटिक. उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टी है. द शेप ऑफ हैमर इज लाइक दिस. नाउ व्हाट इज द बिहेवियर, ये जो सेकेंड दिख रहा है इसमें आपको उसका बिहेवियर दिख रहा है कि वेन यू हिट अ हैमर ऑन अ नेल, तो वो अंदर चली जाएगी, दीवार में होगी, लकड़ी में होगी. उसको ठोकने के लिए हिंदी वर्ड हम कहते हैं, हिट कर रहे हैं मतलब, तो वो उसका बिहेवियर है, वो उसी काम में आता है. ठीक है. एंड आइडेंटिटी, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि ये हैमर है, मेरे हाथ में ये है. यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस, इसको क्या कहेंगे. This is चश्मा कहते हैं, स्पेक्स कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम होंगे. बिकॉज हमारे दिमाग में एक आइडेंटिटी है कि इस टाइप की कोई चीज दिखेगी, सो वी कैन से दैट दिस इज द, ये चश्मा है. कोई भी चीज की आइडेंटिटी होती है. हैमर कैसा होता है, सामने में उस तरह का ब्लंट रहेगा, कुछ इस तरह का शेप रहेगा, और उसके बाद हम उसको कह सकते हैं कि वो हैमर है. तो मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट में तीन चीजें होती है, द स्टेट, द बिहेवियर एंड द आइडेंटिटी. नाउ व्हाट इज अ स्टेट, एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. उसके जितने एट्रीब्यूट्स हैं जो फिक्स हैं, वो उसके स्टैटिक स्टेट बताते हैं. जैसे एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में कलर क्या है, व्हाट इज द हाइट क्या है, व्हाट इज द विड्थ क्या है, ये सारी चीजें यदि मोबाइल फोन में आपको दिखाई दे रही हैं, दीज आर द स्टेट और यू कैन से प्रॉपर्टी और यू कैन से एट्रीब्यूट्स और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्टेट. नाउ जो स्टेट होती है उसकी स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है. सपोज आई एम सेइंग दैट द वैल्यू ऑफ पर्सन या सैलरी ऑफ पर्सन इज 25,000. तो जो सैलरी है उसका स्टेट यदि मैं कहूँ फिक्स है, एक वैल्यू है जो हमेशा स्टैटिक रहेगी. बट इट कैन बी डायनामिक, यदि सैलरी बढ़ रही है या सैलरी कम हो रही है, तो वो उसका डायनामिक बिहेवियर कहलाता है. उसका सीरियल नंबर है, आपकी कार है उसका एक चेचिस नंबर होगा, मैं कॉलेज में हूँ मेरा एक आइडेंटिटी नंबर होगा, आप कॉलेज में, यू आर हैविंग एन एनरोलमेंट नंबर, दीज आर द properties or attributes of a student. The state you can say the properties, which is noun you can say. Second is the behavior. Behavior means how an object acts. क्या acting कर रहा है, वो क्या role play कर रहा है, and उसका reaction क्या होगा, क्या कर सकता है, what it can do is the behavior of an object. ये जो behavior होते हैं
ऑपरेशंस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, ये फोर टाइप से यू कैन से. मॉडिफायर्स मींस यू कैन चेंज द स्टेट, मॉडिफाई कर सकते हो. सिलेक्टर मींस यू कैन एक्सेस इट, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, यूज कर. एक्सेस करना मींस यूज करना. कंस्ट्रक्टर मींस यू कैन इनिशियलाइज इट. डिस्ट्रक्टर मींस यू कैन डिस्ट्रॉय इट. ये किसी भी चीज के बिहेवियर होते हैं. वो चीज एक फिजिकल पर्सन हो सकती है, बैंक हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है. और हर इवेंट का, यदि मैं कहूं कि एक इवेंट स्टार्ट हो रहा है 7:30 पे एंड इट विल एंड एट 10:30, तो 7:30 इसकी पहली स्टेट रहेगी एंड लास्ट स्टेट रहेगी उसकी 10:30. कौन सा प्रोग्राम मैंने सिलेक्ट किया है फॉर दिस टाइम, दैट इज द सिलेक्टर. इनिशियलाइज करना, शुरुआत करना, ठीक है. उसके बाद उसको, जब अभी हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो दैट इज कंस्ट्रक्टर. और जैसे ही हमारा वो ब्लॉक खत्म होता है तो वो मेमोरी रिलीज हो जाती है, दैट इज डिस्ट्रक्टर. नाउ व्हाट इज identity by which you can distinguish that object is an identity. ठीक है. So an object has a state and behavior. State means defines the object. Behavior means show the role of that object. Object को हम instance of class भी कह सकते हैं. उस time के लिए उस class को हम किस तरह represent कर रहे हैं. जैसे क्लास थर्ड ए, थर्ड बी इज अ क्लास. एंड यहाँ पे मुझे जो नाम दिखाई दे रहे हैं, दैट इज अर्जुन, दैट इज कमरान एंड साहिल, दे आर द ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास, दे आर द इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास. यहाँ पे इस वक्त मेरे क्लास में 62 की स्ट्रेंथ है आउट ऑफ 133. मींस दीज 62 स्टूडेंट्स आर इंस्टेंस, और यू कैन से ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास this time. Okay? Now, उसके बाद हम एक छोटा सा वो देखते हैं कि what is class? What is class? Set of objects means commonly properties shown by the objects. You can together them and you can make a class. Common behavior, common characteristics. Our class. Class is an abstraction way the classifying the similar objects. You are the object of class third because you are having the similar sum properties. What properties? You have done 12th with math science. You have done first sem. You have done second sem. Now you are in third sem. Some proper common properties you are having. That's why we make a class third A. आपने सी एस ब्रांच ली है बिकॉज